हेलो फ्रेंड्स, हम केबीएस पीआरटी 2023 का जो रिटन एग्जाम है उसकी कट ऑफ को डिस्कस करने जा रहे हैं। सिंपल सी चीज है, बहुत कुछ कैलकुलेट किया है, उसके बाद हम इस वीडियो को लेके आ रहे हैं आपके साथ में। बहुत लोगों से डिस्कस किया है, एक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पोल भी करवाया, उस पोल का भी मैंने रिजल्ट देखने की कोशिश की। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद हम जो भी कह रहे हैं उन सारी बातों को प्रॉपर एनालाइज करने के बाद कह रहे हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा प्रीवियस रिकॉर्ड को देखते हुए। अगर हम अनरिजर्व की बात करें, जो 2018-19 के एग्जाम की बात करें, तो ये 150 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, समझिए आप इसको। और इसमें ना साइंस काफी डिफिकल्ट, अदर पेपर पैटर्न इसी टाइप का था, बट साइंस और मैथ्स का लेवल अच्छा खासा हुआ करता था, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, इसमें अनरिजर्व की कट ऑफ थी 95, ओबीसी की कट ऑफ 94, एससी की कट ऑफ 88, एसटी की कट ऑफ 79, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड की है 83, विजुअली हैंडीकैप्ड की है 70, और जो हार्ड ऑफ हेयरिंग है यानी कि जिनमें हेयरिंग इंपेयरमेंट टाइप की प्रॉब्लम है, उनकी जीरो वैकेंसीज थी, तो उनकी कोई कट ऑफ की बात नहीं है। फिलहाल अगर हम यहां से समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो अनरिजर्व का जो बनता है 95 मार्क्स आउट ऑफ 150, ये होता है 63%। आप इस बात को ध्यान से समझिए, यानी कि जो मेरिट गई है वो 63% के आसपास गई है। चलिए अब हम अगले कैलकुलेशन को देख लेते हैं कि यहां की मेरिट अब क्या जानी चाहिए। तो अगर हम इस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि जो अनरिजर्व की मेरिट है, पीआरटी 2022-23 की मेरिट, ये जानी चाहिए 125 से लेकर के 130 के आसपास। क्लियर है ना? अभी क्यों जानी चाहिए 130? जो रेंज है ना, ये 130 रेंज कितना परसेंट है पता है आपको? 72%। पेपर अगर कंपेरेटिवली थोड़ा इजी हुआ, ये पेपर कितने का हो गया है, ये इस बार जो एग्जाम हुआ है वो 180 का हुआ है। और ये आप एक चीज समझ लीजिए, अगर थोड़ा सा इजी हुआ है तो आप ये समझ लीजिए कि यहां जो 63% था, हमने 63% को हाइक करा करके 72 पहुंचा दिया है, यानी कि 9% इंक्रीज करा दिया है, जो कि अपने आप में कम नहीं है। 130 जो है वो 72% ऑफ 180 होता है जाकर के, तो इससे ज्यादा मेरिट बढ़ने की उम्मीद आप सामान्यतः ना ही लगाएं। अगर आप ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी में हम कहते हैं मेरिट 125 जानी चाहिए इसके आसपास, क्योंकि जनरल से 1 या 2 नंबर कम, 3 नंबर कम के आसपास ओबीसी की मेरिट रहेगी। वहीं पर अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करें, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये यूजुअली ओबीसी से थोड़ा नीचे जाता है, तो इसको हम मान सकते हैं लगभग 121 के आसपास। एससी की मेरिट 117 आप मान लीजिए, एसटी कैंडिडेट्स के लिए मेरिट 108 मान लीजिए, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड के लिए आप 115 के आसपास, या थोड़ी और बढ़ा लीजिए 115 से 118 तक मान लीजिए। विजुअली हैंडीकैप्ड के लिए 100 के अप्रॉक्स, और हियरिंग हैंडीकैप्ड की कोई वैकेंसी है ही नहीं, तो ये भी अपने आप में यहाँ तो निल कंडीशन रहेगी। अब ये सिंपल सी चीज देखिए, मैं एक चीज बता दूं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम 140 प्लस ला रहे हैं, बट 140 प्लस लाना इतना इजी नहीं है, आप एक बात को समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर 140 आप कह रहे हैं तो इतना इजी नहीं। हाँ, कुछ लोगों के आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, डेफिनेटली कुछ लोग लाएंगे, ठीक है ना। कुछ लोग नहीं, काफी ज्यादा लोग भी ला सकते हैं, बट फिर भी इतना इजी नहीं है। अगर हम ओवरऑल देखें तो वैकेंसीज हैं 6,414 वैकेंसीज हैं, और जो 3 टाइम बुलाए जाएंगे वो लगभग 19,000 के आसपास हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है 19,000 के आसपास, क्लियर है ना। तो जो टॉप रैंकर है वो ले आए 160, हमें उससे क्या लेना देना है। हाँ ठीक है ना,
टॉप रैंकर ले आए, हमारा तो मेन लोअर लेवल पे जो हमें देखना है मेरिट, यानी कि लास्ट रेंज कहां तक हो सकती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है ना? तो मुझे उम्मीद है कि मेरिट इसी के इर्द गिर्द है कि इससे बियॉन्ड ज्यादा नहीं जानी चाहिए। भले ही कुछ चैनल दावा कर रहे हैं कि 140 प्लस जाएगी या उससे कम जाएगी या उससे ज्यादा जाएगी, फिलहाल हमारी कैलकुलेशन यहां पर बैठती है। तो अगर आप इस रेंज के आसपास हैं तो प्लीज अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। और एक चीज और बता दूं, अगर आप देख रहे हो कि कुछ जगहों पर आपने सुना है कि जैसे अभी बिहार के कुछ सेंटर्स का पीआरटी का एग्जाम कैंसिल हुआ है और उन्होंने रीएग्जाम की बात की है, यानी कि कुछ ना कुछ वहां पर मिस हैपनिंग हुई है, कुछ ना कुछ अव्यवस्था हुई है जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, ठीक है ना? तो आप एक चीज को मान के चलिए कि अगर वो चीजें पकड़ में होती, चीजें 10 जगह पे हैं, पकड़ में आती एक जगह पर है, अगर वो चीजें बड़ी मात्रा में हुई होंगी तो हो सकता है मेरिट बहुत हाइक हो जाए। बट हम ऐसी उम्मीद करते नहीं है कि ऐसा हुआ होगा, तो ये मान के चलिए कि नेचुरल मेरिट यहीं तक गिरनी चाहिए, इससे ज्यादा बियॉन्ड नहीं जानी चाहिए। फिलहाल आपके माइंड में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।